हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पंकज पीसी गेमर। और आज हम आपको गेमिंग माउसपैड की अनबॉक्सिंग दिखाएंगे जो कि मैंने अमेजोन से मंगाई है केवल 300 कुछ रुपए की, जिसकी MRP 2999 है, जो कि क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। अब इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये हमने इसकी की अनबॉक्सिंग और हमको सीधे ही ये माउस पैड मिल गया है। इसको बाहर निकाल के देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। बॉक्स हमने साइड में रखा और हम ये देखते हैं, ये बहुत ही लंबा है, आप देख सकते हैं करीब 27 इंची बाई 9 इंची का है। हमने इसकी लेंथ नापी थी और ये थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है। इसको आप किसी भी PC के साथ और लैपटॉप के लिए सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका पीछे से फैब्रिक रबड़ है और सामने से रबड़ के ऊपर एक लेयर लगी हुई है कपड़े जैसी, जो कि स्ट्रेचेबल है और इस पर कुछ इस तरीके का प्रिंटिंग किया हुआ है और यहाँ पे साइड में भी डिजाइन है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही चीप प्राइस में मुझे पड़ा है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही मजबूत है। और इसी तरीके के मुझे अमेजोन पे बहुत सारे माउस पैड दिख रहे थे, लेकिन वो काफ़ी महंगे थे, जो 600 से 500 के ऊपर थे, जो कि मुझे ये 300 कुछ रुपए का ही पड़ा है, लगभग 340-350 रुपए का, जो कि मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मजबूत है। और इसको मैं अब एक लकड़ी के पट्टे पर सेट करके उसके ऊपर कीबोर्ड और माउस चलाऊंगा, जिससे कि मेरे जो कीबोर्ड माउस है वो वायरलेस है, मैं बेड पे बैठकर ही उनको यूज़ करता हूँ। मैं पीसी के पास नहीं खड़ा होता ज़्यादा, मैं ही बैठता हूँ। मेरी टीवी और पीसी वगैरह सब एक LED टीवी में कनेक्ट है, जिससे कि मेरा सेटअप कुछ इस तरीके का है। और मैं बेड पे बैठ के इसको चलाता हूँ, जो कि बेड मेरा ये है, आप देख सकते हैं। आपको अगर ये खरीदने के इच्छुक हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक पट्टे पे इसको चिपकाऊंगा और मैंने वो पट्टा तैयार कर दिया है। इसमें स्टेपलर से स्क्रूचर से मैंने इसको चिपकाया है, आप ये पंच देख सकते हैं। और मैं इसको राउंड करके दिखाता हूँ, पीछे से कपड़ा लगवाया है मैंने इसको, ये कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे ये। और इसको सीधा करने पर ये कुछ इस तरीके का दिखता है। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा।